हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन और फिर हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आपको लेकर, फिर हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी अभी इस वक्त क्या चल रही है। सबसे पहले उनकी करंट सिचुएशन, अभी इस वक्त किस सिचुएशन में है आपके पर्सन। ओके, करंट फीलिंग्स आपके लिए इस रिश्ते के लिए अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं अभी आपको, ये मैसेज है। ठीक है, तो मैंने ले लिए हैं कार्ड्स, आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आए क्योंकि साइड के कार्ड शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। करंट सिचुएशन की शुरुआत हुई है डेविल से और वी हैव गॉट टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो पोजेसिव बहुत ज़्यादा है। करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थोड़े नेगेटिव पैटर्न्स को फॉलो ज़रूर कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हों, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हों, ट्रस्ट इश्यूज हुए हों इनके बिहेवियर की वजह से या आपके किसी बिहेवियर की वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो। शक की वजह से ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम हुई है क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ तू-तू मैं हुई है, कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ समवंस एटीट्यूड। इस रिश्ते के प्रति किसी एक का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, या तो आप अपना 100% दे रहे हैं, सामने से आपको 50% भी रिसीव नहीं हो रहा है, या तो वो अपना 100% दे रहे हैं बट आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है करंट सिचुएशन में। ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में आप दोनों में बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है बट किसी अदर पर्सन की वजह से आप दोनों की करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, मिस करते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और क्यों नहीं हो पा रहा, उसका कारण यहाँ पर डेफिनेटली कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो व्हील ऑफ फॉर्चून की है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जिन पलों में आप दोनों साथ थे। मैसेजेस अगर हो रहे हैं, बातचीत हो रही है तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और अगर मैसेज नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है तो आने वाले समय में आपको इनकी एनर्जी क्लियर होगी जब इनका मैसेज आपको आएगा। बट करंट सिचुएशन में डेफिनेटली ये जो हैं बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, यूनियन में आना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इमोशनली ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं और ये
आपके साथ ही अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्रति इनका एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई गलत रास्ते पे ना ले जाए, आपके साथ कोई गलत ना करे, आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। बात करें अभी इस वक्त इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो इस वक्त ये आपको अगर सेपरेशन में है तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपने आप को अटका हुआ फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा, ये बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में आप अलग हैं, वो अलग हैं, एक दूसरे के बिना अकेले, बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी है, एक अकेलेपन से गुजरने वाली एनर्जी है इस वक्त करंट फीलिंग्स में। मिसिंग एनर्जी आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी हैव गॉट फाइव ऑफ कप्स, तो डिप्रेशन की एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़कर ऐसा भी नहीं है कि कहीं और चले जाएं, किसी और के पास चले जाएं, जहां फैमिली चाह रही है वहां चले जाएं, ये आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। इनका जो दिल है, इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हैं, आपके लिए इनके इमोशंस बहुत हाई हैं। आपके साथ ही ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये एक नई शुरुआत, अगर इनको अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नई शुरुआत करनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ करना चाहते हैं। बट आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो अड़ी हुई है बीच में, ना रिलीज़ हो रही है, ना चीज़ों को बैलेंस आउट करने दे रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव शख्स हो सकती हैं या हो सकते हैं, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अपने कब्ज़े में कर कर चलने की कोशिश करते हैं या करती हैं, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंस नज़र आ रहा है, अगर ये मदर हैं या कोई मदरली फिगर हैं तो भी, अगर ये कोई और फीमेल या मेल है तो भी, यहाँ पर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, एक तरह से होता है ना कि सैक्रिफाइस की एनर्जी है, प्यार करते हैं आपसे फिर भी आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए, तो पहला मैसेज आपके लिए आया है द स्टार, तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, होप मत हारना, आगे हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है, हील हो जाएगी ये सिचुएशन जो भी आपकी लव लाइफ में चल रही है। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे होती है ना डे ड्रीमिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करके कुछ ना कुछ सोचना, इमोशनली ही और शी नीडेड यू द मोस्ट, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, आपको पाने की एनर्जी है, जैसे आपसे कुछ शेयर कर लें, आपको इमोशनली सपोर्ट आपका इनको मिल जाए इस सिचुएशन में। ये एक चीज़ और है यहाँ मैसेज में कि ये बस इतना चाहते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाएं तो आप इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो इस तरह की वाइब्स हैं यहाँ पर। लेट्स चेक कि एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, इमीडिएट एक्शन, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पॉसिबिलिटीज, वी हैव पास्ट लाइफ, कंप्लीशन, पोस्टपोनमेंट, इंटेंसिटी, सप्रेशन। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो नंबर है 4। आने वाले 4 घंटे, 13 घंटे और 22 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी, इस रीडिंग को जब भी आप देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद 22 घंटे के अंदर ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी। इन 22 घंटों में जो होने वाला है वो ये है कि आपके पर्सन किसी बोझ के तले बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इनकी लाइफ में ये कंप्लीशन के लिए, खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए कोई बहुत जल्दी एक्टिवली कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से पोस्टपोन करते जा रहे हैं सिचुएशंस को बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, आपको वेट कराया जा रहा है, बट अब ये पोस्टपोन नहीं करना चाहते, पोस्टपोनमेंट के साथ इंटेंसिटी आया है, ये
तुरंत से निर्णय लेना चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं अपने आप को भी और आपको भी। कई लोगों के पर्सन को आने वाले 22 घंटे के अंदर कुछ इस तरह के ड्रीम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि ये आपके साथ हैं या आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, या ये आपको अपने किसी पास्ट लाइफ में आपके अपने आप के साथ देख सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन भी इनको डिवाइन की तरफ से दी जाएगी। सो 4 नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है। जब आप इनके लाइफ में आओगे तभी इनका जो कम्प्लीशन है वो पॉसिबल हो पाएगा, ऐसा इनको रियलाइज़ होने वाला है। लेट्स चेक कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज के दिन में। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए पहला कार्ड है रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर। तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला दिन अच्छे दिन की उम्मीद आप कर सकते हैं। सेकेंड मैसेज है यहाँ पर, मनी विल बी कमिंग टू यू। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली भी किसी तरह का प्रॉफिट हो सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। देन यहाँ पर है कुछ लोगों के बिजनेस पार्टनर्स के साथ या कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ के बीच में हो सकता है ऑलरेडी कोई केस चल रहा हो, कोई धमकी मिली हो या बहुत चीज़ें ख़राब चल रही हों, तो यहाँ पर कोई एक डिसाइड कर सकता है कि हम साथ नहीं रहेंगे। ये भी यहाँ पर एनर्जी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके कर्मा हैं उनके साथ, कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से इस तरह के ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं। आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दो मैसेज हैं, विश बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेज़ हैं, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी विशेज को पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हो रही, मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं भी इतना पूजा पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मेरी विशेज़ क्यों नहीं दी जा रही हैं। कई लोगों के यूनियंस हो रहे हैं बट मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। तो यहाँ पर सबका यूनियन होगा, सबके टाइम पर होगा, परफेक्ट टाइम का वेट कीजिए। इमोशनली बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसिक्योर हैं, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को इमोशनली सिक्योर बनाओ। आप अपने आप के लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कुछ लोगों के मन में हो सकता है ये लग रहा हो कि मेरी इस लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अपनी सेल्फ लव में आइए, ये यहाँ पर मैसेज है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।